100 करोड़ कैश बरामद। ओडिशा से झारखंड तक आईटी के छापे। क्या है कांग्रेस सांसद धीरज साहू से कनेक्शन। नोटों से अटा पड़ा ये बड़ा सा सेल्फ किसी बैंक का नहीं है, ये नोट बरामद हुए हैं आईटी रेड के दौरान। आईटी डिपार्टमेंट को नोटों का ये विशाल पहाड़ मिला है। झारखंड के राज्यसभा कांग्रेस सांसद धीरज साहू के ठिकानों पर मारे गए रेड के दौरान। हालांकि अभी ठोस आंकड़ा तो नहीं मिला है, लेकिन बताया जा रहा है कि आईटी डिपार्टमेंट को बुधवार से लेकर अब तक की छापेमारी में तकरीबन 100 करोड़ से ज्यादा क्या कैश मिल चुका है। आईटी डिपार्टमेंट की ये छापेमारी अभी भी जारी है। वहीं इतनी बड़ी रकम मिलने के बाद आईटी डिपार्टमेंट को नोटों को गिनने के लिए बड़ी वाली मशीनों का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। न्यूज एजेंसी ANI ने आयकर विभाग के सूत्रों के हवाले से बताया है कि आईटी की ये रेड ओडिशा के बोलांगीर और संबलपुर के साथ झारखंड के रांची लोहरदगा में चल रही है। गुरुवार तक 50 करोड़ रुपए तक के नोटों की गिनती पूरी हो चुकी थी, लेकिन नोटों की संख्या इतनी ज्यादा है कि गुरुवार को नोटों को गिनने वाली मशीनों ने भी जवाब दे दिया था। वहीं आईटी डिपार्टमेंट की सूत्रों की माने तो यह छापेमारी बौद्ध डिस्टिलरी प्राइवेट लिमिटेड से जुड़े ठिकानों पर की जा रही है। इसकी मूल कंपनी बलदेव साहू एंड ग्रुप ऑफ कंपनीज है। ANI न्यूज एजेंसी के जरिए यह भी बताया जा रहा है कि बौद्ध डिस्टिलरी राज्यसभा में कांग्रेस सांसद धीरज साहू के परिवार की कंपनी है। धीरज साहू का परिवार शराब व्यवसाय से जुड़ा हुआ है। ओडिशा में उनके परिवार की तरफ से शराब की कई फैक्ट्रियां चलाई जाती हैं। ये कारोबार संयुक्त सहयोग से उनका परिवार चलाता है। बताया जा रहा है कि इतनी बड़ी रकम मिलने के बाद आईटी डिपार्टमेंट ने कंपनी के कई खातों को फ्रीज कर दिया है। साथ ही रकम बड़ी होने की वजह से इस मामले में ईडी की एंट्री होने की भी संभावना जताई जा रही है। आईटी डिपार्टमेंट की इस छापेमारी में कांग्रेस सांसद धीरज साहू का नाम आने के बाद राजनीति भी तेज हो गई है। बीजेपी ने कांग्रेस को जमकर घेरा है। इस मुद्दे पर झारखंड बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने ट्वीट कर धीरज साहू को आड़े हाथों लिया है। सांसद प्रकाश ने लिखा है कि ये तो कांग्रेस के सिर्फ एक सांसद के यहाँ पड़े छापे में बरामद नगद की तस्वीरें हैं। सोचिए कि 70 साल से देश को खोखला करने वाले और कितने होंगे। हम जब हेमंत सरकार में हो रहे हजारों करोड़ों के घोटाले की बात करते हैं तो वो महज आंकड़ा नहीं हकीकत होता है। इसका छोटा उदाहरण फिर सामने है। अब ये भी जान लेते हैं कि धीरज साहू आखिर कौन है। धीरज साहू कांग्रेस के राज्यसभा सांसद हैं। वो तीसरी बार राज्यसभा से सांसद बने हैं। साथ ही वो चतरा लोकसभा सीट से दो बार कांग्रेस से चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन दोनों चुनाव में उन्हें मुंह की खानी पड़ी थी। इनके पिता का नाम राय साहब बलदेव साहू है, जो कि एक उद्योगपति थे। धीरज साहू का जन्म 1959 में झारखंड तब के बिहार के लोहरदगा में हुआ था। उनके भाई दिवंगत शिव प्रसाद साहू भी रांची लोकसभा से सांसद रहे थे। धीरज साहू पहली बार 2009 के उपचुनाव में राज्यसभा सांसद बने थे, जिसके बाद 2010 और 2018 में भी वो राज्यसभा सांसद बने। धीरज साहू संसद के कई समितियों के सदस्य भी रह चुके हैं। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।